आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न समय से भरा था और उसमें इनकम टैक्स रिफंड बनता था, लेकिन वो रिफंड नहीं आया। क्या है कारण? जानना चाहते हैं तो बने रहिए टैक्स और वेल्थ में। मैं मनोज लांबा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एक बार फिर से एक नई समस्या के साथ। जी हाँ, आप चाहते हैं कि आपका इनकम टैक्स रिफंड आए और झटपट आए, तो जानिए क्यों नहीं आ रहा है वो आज के वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, 1 मार्च 2019 को भारत सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक सूचना जारी की थी, जिसमें यह कहा गया था कि अब सभी आयकर रिफंड सीधे असेसी के बैंक अकाउंट में आएंगे, जिसे हम ई रिफंड का नाम दे रहे हैं। आपका ई रिफंड होने के बाद भी रिफंड नहीं आया है तो क्या कारण हो सकता है? लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब रिफंड आएगा तो सीधे आपके बैंक खाते में, अन्यथा नहीं। किसी प्रकार का कोई भी रिफंड स्पीड पोस्ट से, चेक के माध्यम से या रिफंड वाउचर के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा 1 मार्च 2019 के बाद। अगर आपके रिटर्न में भी रिफंड क्लेम करने के बाद आपका रिफंड नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके बैंक प्री वैलिडेट ना हो। इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त करने के लिए सीधे अपने खाते में आपको अपने सभी बैंक खातों को प्री वैलिडेट करना पड़ेगा जिसमें आप रिफंड चाहते हैं। कैसे जानेंगे कि मेरा अकाउंट प्री वैलिडेट है या नहीं, इस प्रक्रिया को जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको अपनी इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in पे जाना होगा। वहां पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। अपनी प्रोफाइल सेटिंग में प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट की सेटिंग पे जाना होगा। वहां जानेंगे तो आप देखेंगे कि कौन कौन से बैंक अकाउंट आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन कर रखे हैं, क्या वो खाता वैलिडेटेड है या वैलिडेटेड नहीं है। अगर वैलिडेटेड है तो वहां लिखा आएगा प्री वैलिडेटेड स्टेटस में, अगर वैलिडेटेड नहीं है तो वहां लिखा आएगा नॉट वैलिडेटेड। और अगर आपका अकाउंट नॉट वैलिडेटेड आ रहा है तो आपको इस डिटेल को अपडेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आपके बैंक की खाता संख्या, खाते का प्रकार, बैंक ब्रांच और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल जिसमें फोन नंबर और ईमेल आईडी है वो आपको मेंशन करना होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि बार बार रिक्वेस्ट डालने के बाद भी आपका बैंक खाता वैलिडेटेड नहीं होता है। इसका एकमात्र कारण ये है कि जिस भी बैंक में आपका खाता है वहां पर आपने पैन अपडेट नहीं कर रखा है। अगर वहां पर आपका पैन अपडेटेड नहीं है तो आपका अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा, और रिफंड अगर आप चाहते हैं तो अकाउंट को वैलिडेट करना होगा। ऐसे में आपको अपनी बैंक ब्रांच से कॉन्टैक्ट करना होगा और वहां पर जाकर अपना पैन नंबर अपने खाते के साथ अपडेटेड कराना होगा। और अगर एक बार आपका अकाउंट वैलिडेट हो जाता है तो झट से आपका रिफंड आ जाएगा। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कि किन कारणों से आज के समय में इनकम टैक्स रिफंड लेट हो रहे हैं, सरकार की बार बार घोषणा करने के बाद कि अब हम इनकम टैक्स रिफंड्स को होल्ड में नहीं रखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मनोज लांबा का नमस्कार, बने रहिए अगले वीडियो तक। टैक्स फॉर वेल्थ।